नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। आज मैं आपको बताऊंगी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बृजभूषण सिंह की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने घर पहुंचकर दर्ज किए 12 गवाहों के बयान, करीबियों और नौकरों से पूछताछ, फोन भी चेक किए। बालासोर ट्रेन हादसा मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच, एक्सीडेंट साइट से जुटाए अहम सबूत, सीएम ममता बोली कोई फायदा नहीं। ओडिशा रेल हादसे में गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, जिन बच्चों ने अभिभावक खोए उन बच्चों को पढ़ाने की ली जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री भूपेंद्र हुड्डा की घोषणा पर सवाल, कृष्णमूर्ति बोले क्या 6000 पेंशन पर हाईकमान से परमिशन ली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम के जरिए धर्म परिवर्तन के आरोप में एक गिरफ्तार, एजेंसियों के इनपुट पर एक्शन। अगर चुनाव लड़ूंगी तो मथुरा से ही, किसी दूसरी जगह से नहीं, हेमा मालिनी का बड़ा बयान। कतर जा रही फ्लाइट में बम बम बोलकर चिल्लाने लगा युवक, यात्रियों को उतारा गया, पिता बोले बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर में 8 दिनों बाद यातायात के लिए एक तरफा खोली गई मुगल रोड, भूस्खलन से बंद हो गया था मार्ग। उत्तराखंड के निचले इलाकों में हुई झमाझम बारिश, मसूरी में पड़े ओले, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। गैस सिलेंडर स्कीम, सीएम गहलोत ने 13,90,000 परिवारों को दी 59 करोड़ सब्सिडी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। धन्यवाद।